वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आपका महालक्ष्मी रियल किचन में। आज हम बनाने जा रहे हैं एक बहुत ही स्वादिष्ट चटपटा अचार की रेसिपी। उसके लिए मैंने कुछ सामग्री ली है। ये बड़े साइज का मूली लिया है, राउंड शेप में कट किया है, और ग्रीन चिली लिया है स्लिट की हुई, और नींबू लिए हैं तीन बड़े साइज के, इसको कट करके रखा है मैंने, और राई लिया है दो बड़े चम्मच, और लहसुन लिया है छिला हुआ। इसमें लहसुन थोड़ी ज़्यादा मात्रा में चाहिए। तो आइए देखते हैं इसको कैसे बनाते हैं। सबसे पहले एक मिक्सी के जार में राई को डाल देंगे और लहसुन को, और इसमें डाल देंगे दो बड़े चम्मच हल्दी पाउडर, थोड़ा सा डालेंगे इसमें पानी और इसको ग्राइंड कर लेंगे। अभी मैंने लहसुन और राई को अच्छे से ग्राइंड कर लिया है, तो इसको अभी हम निकाल लेंगे एक मिक्सिंग बॉल में। जार में थोड़ा पानी डाल करके इसको पूरा अच्छे से निकाल लेंगे। ये देखिए, और अभी हम इसमें ही डाल देंगे ग्रीन चिली और मूली। इसमें और भी पानी डलेगा अभी, और ये जो नींबू लिया है इसका रस हम जूस निकाल लेंगे एक बाउल में। अभी डाल देंगे नींबू का जूस, और टेस्ट के अकॉर्डिंग सॉल्ट। इसमें सॉल्ट थोड़ा ज़्यादा ही पड़ता है, उससे टेस्ट आता है। यूपी में इसको सौना बोलते हैं गाँव में, और बनाने के बाद इसको धूप में रख देते हैं। अगर धूप नहीं मिलता है तो भी हम घर में भी रख सकते हैं इसको। बनाने के एक दिन के बाद ही ये खाने लायक हो जाता है, और 10 से 15 दिन चलता है ये अचार। इसमें थोड़ा सा और पानी डालेंगे, थोड़ा सा पानी और डालेंगे, बस ये झटपट से रेडी हो जाता है, और खाने में बहुत ही टेस्टी। किसी भी खाने के साथ आप इसको खा सकते हैं। अभी हम इसको एक कांच के जार में रख लेंगे, तो हमारा अचार एकदम से रेडी हो गया है। देखिए, इसमें एक बूंद ऑयल की ज़रूरत नहीं होती है, और ये अचार बहुत ही हेल्दी होता है। तो अगर ये रेसिपी आपको पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।